अध्यक्ष श्री माननीय वडाप्रधान नरेन्द्र भाई नो आपणे जिंदगी भर गुजरात रहे त्यां सुधी जेटलो आभार मानीए एटलो ओछो छे के सरदार वल्लभ भाई नी नामना गौरव आखी दुनिया में कोई वधार्यु होय तो फक्त ने फक्त भारतीय जनता पक्ष नी सरकार अने नरेन्द्र भाई मोदी जीए जे वधार्यु छे। साहेब 55 लाख लोग मुलाकातीओ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कोरोना पहला आवी चुक्या अने मने जणावता आनंद थाय छे कोई टीकाना स्वरूपमां नथी कहेतो कारण भारत में ताजमहल जोवा जे लोको आव्या हैदराबाद ना चार मीनार जोवा जे लोको आव्या मुंबई नो गेटवे ऑफ इंडिया जोवा आव्या ए बधा करता पण सौथी वधु मुलाकातीओ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई ना दर्शन करवा आव्या नर्मदा मैया ना आशीर्वाद लेवा आव्या अहीं बैठेला है हजू बाकी रही जता हो तो आप पुण्य कमाई लेजो नहींतर पछी परिणाम तो खबर ज छे सारू करशो तो भविष्य सारू थशे। एटले साहेब आ प्रवासन अमारा मंत्री जवाहर भाई ए पण प्रवासनना बहु शौखीन छे एटले शोधी शोधी एमणे आ पॉलिसी बनाई छे ए पॉलिसी मुख्यमंत्री श्रीए खूब रसपूर्वक अमलमां मूकी छे ए पण आपणे ગુજરાતમાં ટુરિઝમ વધે રોજગારી વધે ધંધો રોજગાર વધે એ માટે જરૂરી છે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી નવી સોલર પોલિસી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી પર્યાવરણની જાળવણી ખૂબ જરૂરી છે। હવામાન બગડે પાણી પ્રદૂષિત થાય આપણા સ્વસ્થ તંદુરસ્ત ઉપર અસર થાય તો દુનિયાને બચાવવી હોય ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચાવવી હોય તો પર્યાવરણ બચાવવું જરૂરી છે। पर्यावरण बचावानो मोटामां मोटो उपाय भगवाने जे आपणने आप्यो छे भगवान सूर्यनारायण जे गर्मी आपे छे एनी शक्तिनो जो उपयोग करिए जेने अंग्रेजीमां सोलार कहे छे तो एनो उपयोगथी गुजरातमां बनासकांठा जिल्लो कच्छ जिल्लो बीजा जिल्लाओ राजस्थाननी बॉर्डर पाकिस्तानी बॉर्डर हजारों हजारों हेक्टर जमीन बिन उपजाऊ वण वपरायेली अत्यारे खाली पड़ी छे जेनो कोई फायदो राज्य ने थतो नथी। हूँ अभिनंदन आपीश मुख्यमंत्री श्री ने अभिनंदन आपीश ऊर्जा मंत्री सौरभ भाई ने के बन्ने साथे मळी अमारा नाणा विभागना परामर्श में नवी सोलार पॉलिसी अमल में मूकी माननीय वडाप्रधान श्रीए माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्रीए जे मंजूरी आपी ए भारतनो मोटामां मोटो सोलार प्रोजेक्ट 30 रिन्यूएबल एनर्जी 30,000 मेगावॉट वीजळी नुं उत्पादन करवा आपणे आगळ वधी रह्या छे ए आ सोलार पॉलिसीमां आपणे मूक्युं छे। नहीं धुमाड़ो नहीं पाणीनो बगाड नहीं कोई जातनुं वेस्टेज अने पड़तर नकामी बिन उपजाऊ झाड़ा झाखरावाळी जमीन एनो वपराश थशे एनुं भाड़ू सरकारने आवशे त्यां धंधा रोजगार वधशे ए विस्तारना लोकोने रोजगारी मळशे। आ काम अमारी भारतीय जनता पक्षनी सरकारे करी छे ए सोलार पॉलिसीनो पण माननीय अध्यक्षश्री आ बजेटमां नवी जोगवाई तरीके अमे उल्लेख कर्यो छे एना माटे मोटी रकमनी पण फाळवणी करी छे। माननीय अध्यक्षश्री मुख्यमंत्री बागायत मिशन जे मैं कह्युं बिन उपजाऊ जमीन पड़तर जमीन माननीय मुख्यमंत्रीश्री अहींया घणा मंत्रीश्रीओ जुदा जुदा देशोनी मुलाकात लीधी इजरायलनो आपणे दाखलो आपीए ए देश एक एक टीपा पाणीनो उपयोग करे छे एक एक इंच जमीननो उपयोग करे छे आपणे त्यां पड़तर जमीन मोटी छे केम के खेती नथी पाणी नथी सारी फळद्रुप जमीन नथी पड़ी रही छे तो एनो उपयोग शुं तो सरकारे नक्की कर्युं मुख्यमंत्री श्रीए फळदू साहेबे अमारा कृषिमंत्रीए निर्णय कर्यो के आपणे आ जमीनमां जेने प्रगतिशील खेडूत जे पोते सारी खेती अत्यारे करे छे एमने आ जमीन भाड़ा पट्टे आपी ए लोको आ जमीन ने विकसावे फळद्रुप बनावे अने खेतीवाड़ी फळ फळादी बागायतनुं उत्पादन करे रोजी रोटी धंधो व्यवसाय बधु वधे अने निकास थाय गुजरात खेतीवाड़ीमां बधु समृद्ध थाय कच्छ छे बनासकांठा छे दक्षिण गुजरात तो पहेलेथी ज छे एमने तो अभिनंदन आपुं छुं के दरेक बागायती पाकनी गुजरात मोटी निकास करे छे अने हवे तो आ कमलम कमलमनी पण निकास मोटा प्रमाणमां थवा माडी छे त्यारे आ पड़तर जमीनमां आ बधुं थशे तो गुजरात उद्योगनी साथे खेतीवाड़ी खेडूतोनी साथे पड़तर जमीननो
बिन उपजाऊ जमीन नो उपयोग करी वधु सारी खेती करे ए माटे आ मुख्यमंत्री भगत विकास मिशन पर अमे अमल में मूक्यु छे। एनाथी खूब मोटी रोजगारी अने खेतीवाड़ी ने लाभ मळशे। माननीय अध्यक्षश्री मने जणावता आनंद थाय छे आ पेरेग्राफ पर राज्यना आर्थिक अर्थतंत्रनी नाड़ माटे खूब जरूरी छे। हवे राज्यनी अर्थव्यवस्था पूर्ववत स्थितिए आवी रहेल छे।